बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के बबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। इस्लामिक इंफॉर्मेशन एज की जानिब से तमाम मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन को अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन, इस्लामिक इंफॉर्मेशन एज लाया आपके लिए एक ऐसा अमल जो आप आज 23 मुहर्रमुल हराम के दिन करेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व ताला आपकी इल्तिजाओं को सुनेगा, आपकी दुआओं को सुनेगा, आपकी हाजात को पूरा फरमाएगा। तो इस अमल को जानने के लिए हमारी वीडियो को शुरू से आखिर तक देखें और हमारे चैनल इस्लामिक इंफॉर्मेशन एज को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में जो अमल हम आपको बताने जा रहे हैं उसके करने से इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपके तमाम काम आसान कर देगा, आपकी बहुत सी मुश्किलात दूर फरमा देगा और आपकी बहुत सी हाजात पूरी कर देगा। नाज़रीन, आज के दौर में ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आता रहता है, कभी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है तो कभी ज़िंदगी में आसानियां आ जाती हैं। तो जहां हमें ज़िंदगी में आसानियां मिलती हैं, खुशियां मिलती हैं, आसाइशात मिलती हैं, तो हमें चाहिए कि हम अल्लाह का शुक्र अदा करें और अगर हमें जब कभी परेशानी का सामना करना पड़े तो सब्र से काम लें, ना कि हम आहोजारी करें या उस मुश्किल से घबरा जाएं, परेशान हो जाएं, मायूसी का शिकार हो जाएं और मायूसी का शिकार इस तरह से हों कि हम दुआ मांगना भी छोड़ दें, हमें यकीन ही ना रहे, हम ये कहें कि हमारी दुआएं कबूल नहीं होती। तो कभी भी दुआ मांगना नहीं छोड़ना चाहिए, हमें चाहिए कि हम अपने परवरदिगार से अपनी हाजात को तलब करते रहें। जब उन हाजात के पूरा होने का सही वक्त आएगा तो हमारा रब हमारी दुआओं को कबूल फरमाएगा, हमारी हाजात को पूरा कर देगा। तो नाज़रीन, आज की इस वीडियो में एक ऐसा ही अमल हम आपको बताने जा रहे हैं कि जिसके करने से इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपकी परेशानियों को दूर करेगा। अल्लाह तबारक व ताला के एक ऐसे मुकद्दस नामों का अमल है कि जिसके करने से इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपकी दुआ को ज़रूर पूरा करेगा। तो अमल कुछ इस तरह से है कि 23 मुहर्रम का दिन है, असर की नमाज के बाद, असर की नमाज के बाद अव्वल व आखिर 11-11 बार दुरूद पाक पढ़ना है और 313 मरतबा या हयो या कयूमु, या हयो या कयूमु का विर्द करना है आपने और उसके बाद अपने दोनों हाथों को बुलंद करके अल्लाह तबारक व ताला से अपनी दुआएं पेश करनी है, अल्लाह ताला के आगे अपनी हाजात तलब करनी है। इंशाअल्लाह हमारा रब हमारा परवरदिगार इस अमल के सदके आपकी दुआओं को कबूल फरमाएगा और उसके बाद आपने सजदे में जाकर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना है कि अल्लाह ने हमें जो नेमतें अता की हैं और उसके बाद अपनी हाजत तलब करनी है सजदे में जाकर। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपकी दुआ को ज़रूर सुनेगा। नाज़रीन, हमारी दुआ है कि अल्लाह तबारक व ताला मुहर्रमुल हराम के इन आखिरी घड़ियों के सदके हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमा के हमारी मगफरत फरमाए, हमें ऐसे नेक आमाल करने की तौफीक अता फरमाए जो हमारे लिए आखिरत में कामयाबी का सबब बने। हमारी दुआ है कि वो लोग जो बीमार हैं उन्हें सेहत अता फरमाए, वो लोग जो कर्ज़दार हैं उन्हें कर्ज से निजात अता फरमाए, वो लोग जो बे औलाद हैं उन्हें औलाद नरीना अता फरमाए। नाज़रीन, हमारी दुआ है कि अल्लाह तबारक व ताला हमें इतनी हिम्मत अता फरमाए, हमें इतनी इस्तेआदत अता फरमाए कि हम अल्लाह के मस्कीन बंदों का, वो लोग जो साहिबे हैसियत हैं, हमें चाहिए कि हम मुस्तहिक लोगों की मदद करें, उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा सदका व खैरात निकालें, अपने इर्द गिर्द ऐसे लोगों पर नज़र रखें जो इस चीज़ के मुस्तहिक हैं। नाज़रीन, हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अपनी राह में खर्च करने की तौफीक अता फरमाए और हम सबको ऐसे नेक आमाल करने की तौफीक अता फरमाए जो हमारे लिए आखरत में कामयाबी का सबब बने। आमीन या रब्बल आलमीन।